गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 2 मंथ का जो चैलेंज रखा है, 2 मंथ के आपको चैलेंज में रेगुलर आपको करंट अफेयर्स और पॉलिटी आपको 2 महीने में कंप्लीट करवाई जाएगी, और उसके बाद आपको जैसे राजस्थान में जो कल्चर है ये 2 महीने में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो 2 मंथ चैलेंज की पॉलिटी की क्लास हम सुबह कर चुके हैं, अब हम शाम को क्लास करेंगे कल्चर की। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइए और रेगुलर इन क्लासों को देखते रहिए, आपको कंप्लीट आनंद आने वाला है, पूरी तरीके से चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, राजस्थान के कल्चर की बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के कल्चर में लोक देवता हम सबसे पहले लेंगे, और लोक देवताओं में भी हम सबसे पहले लेंगे पंचपीर, जो मारवाड़ के पंचपीर कहलाते हैं, या आप कह सकते हो राजस्थान के पंचपीर। तो दोस्तों, एक्चुअल में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोक देवता या पंचपीर होते क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसी अनुश्रुतियाँ थी, ऐसा माना जाता है कि जो ये एक विशेष पुरुष हुआ करते थे, जिनमें मतलब भगवान का कुछ अंश माना जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, लोक देवता कहा जाता है। और इन लोक देवताओं में मुख्य रूप से 5 क्या हैं दोस्तों, पंचपीर हैं। तो पंचपीर कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो है रामदेव जी, एक गोगा जी है, उसके बाद हम बात करते हैं पाबू जी हैं, हड़बू जी और मेहा जी, ये आपको ध्यान रखना है। पंचपीर कौन कौन है एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक तो आपको रामदेव जी ध्यान रखना है, उसके बाद गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी और मेहा जी। तो देखिए, हम यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी की। तो दोस्तों, रामदेव जी की हम बात करते हैं, तो रामदेव जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था जो बाड़मेर है, बाड़मेर की शिवपुर तहसील है, वहाँ पर एक गाँव है उंडू काश्मीर करके गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो मतलब इनका जो रामदेवरा कहां पर है, रूणीचा जैसलमेर में है। रामदेव जी के जो गीत होते हैं उनको ब्यावला कहते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं दोस्तों। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, जिसमें या तो सफ़ेद कलर की होती है या फिर 5 रंग की होती है, उसे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। इनके घोड़ा का नाम दोस्तों लीला था, रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, लीला, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, हम इसमें सभी पॉइंटों को एक एक करके देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले रामदेव जी पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए लोक देवताओं की मैं परिभाषा बता चुका हूँ आपको कि भाई प्राचीन समय में कुछ ऐसे महापुरुष जन्मे जिनमें क्या ऐसा प्रतीत होता था कि इनके अंदर ईश्वर का अंश है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, लोक देवता कहलाते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। तो देखिए, रामदेव जी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था और शिव तहसील थी दोस्तों, ठीक है। रामदेव जी कौन से वंश में जन्मे थे दोस्तों, ये तंवर वंशीय थे। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो अजमल जी तंवर कह सकते हो आप। और इनकी माता का नाम मैणा दे था, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। तो आपको ध्यान रखना है, इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, अजमल जी तंवर, इनकी माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था। तो ये आपको ध्यान देना है, रामदेव जी क्या थे, तंवर वंशीय थे, अजमल जी इनके पिताजी का नाम था, और मैणा दे इनकी माता का नाम था, और नेतल दे पत्नी का नाम था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रामदेव जी के बारे में डिटेल से एक एक चीज़ देखते हैं। दोस्तों, आपको इतना पढ़ाया जाएगा, कम्प्लीटली मैटर पूरा पढ़ाया जाएगा कि आपको कल्चर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा मैटर दिया जाएगा। बस शर्त यह है, 2 महीने आप जुड़े रहिए, 2 महीने में आपको क्या करना है, मतलब हैंड टू हैंड आपको नोट्स तैयार करना है,
ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। इनकी ध्वजा क्या कहलाती थी दोस्तों, क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। और ये सफ़ेद रंग की हो सकती है या कैसा कलर की हो सकती है दोस्तों? पांच रंगों की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे दोस्तों जो क्या थे? कवि भी थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। 24 वाणियों का एक क्या है? इनकी रचना है। तो आपको ध्यान रखना है रामदेव जी की 24 वाणियाँ क्या हैं? फेमस हैं। और इन्होंने कांवड़ पंथ की क्या करी थी? स्थापना करी थी दोस्तों। और कांवड़ पंथ की जो महिलाएं होती हैं, जो क्या जो जो जंजीरें होते हैं दोस्तों, वो कितने बांधती थी? 13 जंजीरें, मतलब बांध करके और फिर नृत्य करती थी, है ना। 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली नृत्य भी कांवड़ पंथ से ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए आपको मैटर पूरा कम्प्लीटली प्रिंट करके और फिर आपको समझाया जाता है, तो आपको देखिए चीज़ें एक एक समझ आएंगी। और एक जिस जो पुरानी पद्धति से पढ़ाया जाता है, बोर्ड पर पढ़ाने होता है, तो उसमें क्या ज़्यादा टाइम लगता है। अब आपको कम समय में मैटर ज़्यादा मिलेगा। 2 महीने आप जुड़िए, 2 महीने में आपको कम्प्लीट मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? पगलिया। इनका जो चबूतरा होता है उस पर पगले बने होते हैं, जो पैर होते हैं वो बने होते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? पगलिया। और इनके पगलियों की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये हम बात कर भी चुके हैं, इनके लोकगीत हैं जो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके जो भक्त थे मेघवाल जाति के, वो रिखिया कहलाते हैं, रिखिया। और इनकी एक भक्त थी कालीबाई नाम से थी, जिनको इन्होंने अपनी बहन माना था, वो भी मेघवाल जाति की थी, ठीक है। तो देखिए इनके मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? क्या था दोस्तों? बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आपको चीज़ें आ रही हैं तो आप क्या कमेंट करते जाइए, लाइक करते रहिए। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद देखिए इनके जो प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, तो देखिए प्रमुख स्थल तो वैसे तो रामदेवरा रूणीचा पोखरण जैसलमेर में, रूणीचा गांव है, पोखरण तहसील और जैसलमेर जिला है दोस्तों। लेकिन इनके अन्य मंदिर कहाँ पर भी हैं? एक तो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, और एक है चित्तौड़गढ़ में सुरथा खेड़ा, और एक है दोस्तों कहाँ पर? अजमेर में भी है, ठीक है। तो देखिए रामदेवरा रूणीचा और तहसील पोखरण है जैसलमेर के अंदर। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज को हुआ था, इसलिए इनका जो विशाल मेला लगता है वो दूज के दिन लगता है। वैसे दूज से और एकादशी तक चलता है दोस्तों, यानी दूज से 11 तक, ठीक है, एकादशी तक मेला चलता है। और इनकी जो जो दूज होती है उसको बावेरी बीज भी कहते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बावेरी बीज। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो, या पटवार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो राजस्थान का, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दूज को दूज से लेकर के और एकादशी तक लगता है, ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए रामदेव जी का जो मेले का प्रमुख आकर्षण है वो 13 ताली नृत्य है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 13 ताली नृत्य, ठीक है। और इनकी जो जो 13 ताली नृत्य की जो फेमस यानी प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनका क्या नाम है दोस्तों? मांगी बाई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मांगी बाई, ठीक है। लेकिन जो मेघवाल जाति की जो कालीबाई थी,
वो तो इनकी सिस्टर माना था, इन्होंने बहन माना था। बात करते हैं तेरे ताली नृत्य कामाड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, या कृष्ण का अवतार लिख दिया है तो ये भी थोड़ा ठीक है, बाकी विष्णु का ध्यान रखें, ठीक है। प्रिंट में हो जाता है कई बार। इसके बाद हम बात करते हैं छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए, एक तो सुरता खेड़ा में है और एक बराठिया अजमेर। इनके अन्य जो मंदिर हैं वो, एक तो मंदिर यानी देवर है, एक तो कहाँ पर है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में, और एक बराठिया, बराठिया कहाँ पर है दोस्तों ये अजमेर में है। तो देखिए सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ और बराठिया अजमेर में इनके क्या हैं, अन्य भी देवर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो यात्री हैं उनको जात्रु कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, जात्रु, ये आपको ध्यान रखना है। और बात मेन मुख्य जो बात है दोस्तों, ये रामदेव जी की क्या है दोस्तों, कि इनके जो सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में ये माना जाता है, इसलिए इनको जो मुस्लिम होते हैं वो तो रामसा पीर कहते हैं, रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं, और हिंदू इनको विष्णु का अवतार मानते हैं, यानी सांप्रदायिक सद्भावना का है, हिंदू और मुस्लिम समान रूप से इनको पूजते हैं, और इन्होंने इक्वालिटी पर पूरा फोकस किया था। इन्होंने पूरा ये देखा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय ये कुछ नहीं है, हर इंसान क्या है, ईश्वर के समान समान है, ईश्वर के समक्ष समान है, और उसको जीने का अधिकार है, उसको हर जगह, या मंदिर हो मस्जिद हो, सभी जगह जाने का प्रवेश होना चाहिए, और महिलाओं को लेकर के, सभी को लेकर के इन्होंने इक्वालिटी की बात कही थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना के भी दूत माने जाते हैं, यानी सांप्रदायिक रूप से इन्होंने काफ़ी उत्थान का कार्य किया था। तो देखिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए रामदेव जी हैं जो हिंदू और मुसलमानों में क्या समान रूप से लोकप्रिय थे, मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, रामसा पीर, और हिंदू विष्णु का अवतार मानते ही हैं। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी मेघवाल जाति की डाली बाई, एक्चुअल में दोस्तों डाली बाई था, बाई चांस मैंने काली बाई बोल दिया हो तो देखिए जो मेघवाल जाति की डाली बाई है, वो उनको इन्होंने क्या माना था, बहन माना था दोस्तों। अच्छा, जो ये हैं मेघवाल जाति के, ये भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इनकी फड़का वाचन मेघवाल जाति या कामर जाति के लोग करते हैं, मेघवाल जाति और कामर जाति के लोग, इनकी जो फड़ होती है, फड़ क्या होती है दोस्तों, पूरा एक वो होता है, एक कपड़े की बनी हुई होती है, उस पर पहले तो लिखा जाता है एक तरह से जो धागे के द्वारा, और फिर उसका वाचन किया जाता है, उसको बांचा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये हमारे क्या था दोस्तों, ये था रामदेव जी। तो देखिए रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, तो देखिए रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इनका हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर में, बाड़मेर में जन्म हुआ दोस्तों, और बाड़मेर में कहाँ पर हुआ, उंडू काश्मीर में गांव था वहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम है, अजमल जी तंवर, और इनकी माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी दोस्तों, और कामड़ पंथ के तहत ही जो कामड़ पंथ को मानने वाली महिलाएँ वो तेरे ताली नृत्य करती हैं, तो इनका जो मेला है उसका भी प्रमुख जो आकर्षण है वो तेरे ताली नृत्य हैं, तेरे जंजीरें बांध करके, ये जंजीरें या मंजीरें बोल सकते हैं अपन, वो बांध करके ये नृत्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो इनका जो प्रमुख देवरा है वो रुणेचा जैसलमेर में है, रामदेवरा कहाँ पर है, रुणेचा जैसलमेर, और छोटा रामदेवरा की बात करते हैं गुजरात में है। इनके अन्य देवरे भी हैं, अन्य मंदिर कह सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, एक तो सुरता खेड़ा है, सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, और एक बराठिया अजमेर में है।
सांप्रदायिक सद्भावना के ये प्रतीक माने जाते हैं। काफ़ी इन्होंने काम किया था ऊंच नीच भेदभाव यानी जो भी महिला पुरुष इन सब को लेकर के काफ़ी वर्क किया था। और इनकी इनका जो रचना थी वो 24 बाणियाँ के नाम से फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है। 24 बाणियाँ किसकी है दोस्तों? रामदेव जी की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म दूज के दिन हुआ था इसलिए बावेरी बीज कहते हैं उसे दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम समान रूप से इनको पूजते हैं। हिंदू तो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं और मुसलमान इनको क्या रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। इनके घोड़े का नाम लीला है दोस्तों। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और इनकी मेघवाल जाति की जो शिष्या थी डालीबाई, उनको इन्होंने बहन माना था। और जो तेरे ताली नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे? गोगा जी के बारे। गोगा जी के बारे, तो देखिए गोगा जी के बारे में हम बात करते हैं तो एक तो देखिए इनके बारे में ये कहावत है कि गोगा जी हैं जो महमूद गजनवी से युद्ध में लड़े थे और जीते थे। उसके बाद इनका हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जो शीर्ष है वो तो कहाँ पर? ददरेवा चूरू में गिरा था। और धड़ कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। तो इनकी जो शीर्ष मैडी है वो तो कहाँ पर है दोस्तों? ददरेवा चूरू में है। और इनकी जो क्या जहाँ पर शरीर गिरा था उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दुरमैडी या गोगा मैडी, वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर था दोस्तों और माता का नाम क्या था? बाछल था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और गोगा जी मारवाड़ के पंचपीरों में जाने जाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम लीली घोड़ी था। देखिए दोस्तों, जो रामदेव जी थे उनके घोड़े का नाम तो क्या था? लीला। और इनकी घोड़ी थी उनका नाम लीली घोड़ी था, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और रामदेव जी के कौन थे? बालीनाथ, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए गोगा जी के बारे में हम बात करते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जन्म ददरेवा के जेवर ग्राम राजगढ़ तहसील थी और चूरू के अंदर जन्म हुआ था। चूरू के अंदर, देखिए जेवर ग्राम और ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर हुआ था। अभी पहले इसको जेवर ग्राम भी कहा जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम जेवर चौहान और माता का नाम बाछल था, ठीक है। गोगा जी की जो समाधि है उसे गोगा मैडी कहते हैं और ये नौर तहसील हनुमानगढ़ में है। गोगा जी का जो प्रमुख स्थान है उसे क्या? गोगा मैडी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए गोगा जी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई इनका जो जहाँ पर इनका स्थल बना हुआ है, मेनली गोगा जी का जो स्थल बना हुआ होता था दोस्तों, अभी भी जहाँ पर गोगा जी के थान मिलते हैं, थान बोलते हैं उन स्थलों को, जैसे रामदेव जी के जो स्थल हैं उनको देवरा बोलते हैं, ऐसे ही गोगा जी का जो स्थल बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? थान। ये राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे बने होते हैं ये, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जैसे गोगा जी के जो थान है वहाँ से मिट्टी उठा करके जैसे कोई सांप, किसी को सांप ने काट लिया तो उस स्थान पर लगाने से क्या हो जाता है? वो सही हो जाता है। सांप के डस लेने से क्या हो जाता है? उस मिट्टी को लगाने से सही हो जाता है, ऐसी कहावत है दोस्तों, ठीक है। इसलिए गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, लोग इन्हें क्या कहते हैं? जारपीर के नाम से भी जानते हैं और सांपों का देवता भी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शीर्ष मैडी कहाँ पर है दोस्तों? ददरेवा में है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। और धुरमैडी कहाँ पर है? धुरमैडी ये गोगा मैडी यानी नौर में है। इनका यानी सिर तो कहाँ पर गिरा था युद्ध में लड़ते हुए? ये तो गिर चुका था ददरेवा में ही। और जो धड़ था वो कहाँ पर जाके गिरा था दोस्तों? हनुमानगढ़ नौर तहसील में।
तो इसलिए शीर्ष मैडी तो ददरेवा चूरू में है और धुर यानी जो धड़ होता है उसको धुर मैडी बोल देते हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है नौर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। और गोगा जी की ऑलरेडी आपसे पूछा जाए दोस्तों, देखिए आपसे तीन क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि गोगा यानी शीर्ष मैडी कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना है ददरेवा चूरू। आपसे पूछा जाएगा गोगा मैडी या धुर मैडी, तो आपको आंसर देना है दोस्तों कहाँ पर? नौहर तहसील हनुमानगढ़। और गोगा जी की ओल्डी आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी है जालौर में, ठीक है ये ध्यान रखना है। और गोगा जी का जो मंदिर है उस पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सामने जो मुख्य जो दरवाजा है उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। और इनका मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलक वंश के शासक थे, सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, तो उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। बाकी ये कहा जाता है दोस्तों कि जो जीर्णोद्धार करवाया है वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, गंगा सिंह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो देखिए हम आगे हम बात करते हैं, तो देखिए गोगा मैडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, जो गोगा मैडी है उसका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया गया था वो वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था? गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, तो गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है, और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी एक तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसके जस्ट दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है। इनका मेला लगता है दोस्तों कहाँ कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों इनका मेला एक तो यहाँ पर जो मुख्य मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, बाकी चूरू में भी और जालौर में। सॉरी दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं विशाल मेला भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मैडी गांव में भरता है, ठीक है दोस्तों, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन भी होता है, ठीक है, पशु मेले का आयोजन भी होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये पशु मेला राज्य स्तर के सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और जो गोगा मेडी है उसका आकार कैसा है दोस्तों? मकबरे नुमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मकबरे नुमा इसलिए है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए ऐसा माना जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, थान क्या है दोस्तों? चबूतरा ही है, वो कहाँ पर? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु के नाम हम बता चुके हैं आपको, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। और गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, जैसे रामदेव जी पूजे जाते हैं इसी तरीके से गोगा जी भी पूजे जाते हैं, और इन्हें जाहर पीर कहा जाता है दोस्तों। धुरमैड़ी मुख्य जो धुरमैड़ी है दोस्तों उसका मुख्य द्वार है, उस पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह। धुरमैड़ी कहाँ पर है दोस्तों? यानी जहाँ पर धड़ पड़ा था, ये है नौहर तहसील में जिसे गोगा मैडी बोलते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इस पर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे इनके लोकगीतों को गाया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? डेरू नामक वाद्य यंत्र का। इसके बाद देखिए किसान खेत की बुआई करते समय पहले गोगा जी का नाम से राखड़ी तथा मतलब राखड़ी बांधते हैं, हल के भी बांधते हैं दोस्तों, और हाली भी बांधता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनके गीत किसके माध्यम से, कौन से वाद्य यंत्र के माध्यम से गाए जाते हैं? डेरू। और गोगा जी की राखड़ी
हल पर भी बांधी जाती है। बुवाई से पहले किसान हल के भी बांधता है और हाल ही होता है उसके भी बांधता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने दो लोक देवता कंप्लीट करे हैं, रामदेव जी और गोगा जी, यानी पंचपीर हैं जो मारवाड़ के पंचपीर, राजस्थान का पंचपीर भी कह सकते हैं हम, बाकी मुख्य रूप से मारवाड़ के पंचपीर कहलाते हैं क्योंकि ये मारवाड़ में ही जन्मे थे, आपको पता है। इसके बाद हम कल कंप्लीट करेंगे पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी को, यानी दो दिन में हम पंचपीर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा भी हम आपको पढ़ा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा, आपको याद नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। कल हमें पाबू जी पढ़ना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़बू जी और फिर मेहा जी, ठीक है। तेजा जी दोस्तों पंचपीर नहीं है, उसके बाद हम तेजा जी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए गोगा जी के बारे में हम थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। इनका जन्म ददरेवा ग्राम में हुआ था दोस्तों, चूरू में, राजगढ़ तहसील में, ठीक है। इनके पिता का नाम जेवर जी चौहान था और माता का नाम क्या था दोस्तों, बाछल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनको सांपों का देवता कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनका जो थान बना हुआ होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, वहाँ से मिट्टी को उठाकर जैसे किसी को सांप ने डस लिया तो वहाँ पर उस स्थान पर मिट्टी लगाने से क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो सांपों का देवता कहते हैं। जैसे ऊँटों का देवता पाबू जी को कहते हैं, ऐसे सांपों का देवता किसे कहा जाता है, गोगा जी को। ये बात आपको क्लियर रखनी है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, गोरखनाथ। और गोगा जी के मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, एक तो धुरमैड़ी में लगता है, धुरमैड़ी जहाँ पर दर्द पड़ा था, ठीक है, नॉर्थ तहसील हनुमानगढ़ में, और जहाँ पर शीर्षमैड़ी है ददरेवा चूरू वहाँ पर भी लगता है, और गोगा जी की ओल्डी जालौर में है वहाँ पर भी मेला लगता है। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध करते हुए ये कहा जाता है कि जीते थे ये, और ये सारी बातें हम बता भी चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान समान रूप से इनको मानते हैं, पूजते हैं। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तुगलक साहब ने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इनका जो धुरमैड़ी है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मंदिर के सामने जो दरवाजा है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो और डेरू नामक वाद्य यंत्र से इनके जो लोकगीत वगैरह होते हैं उनको गाते हैं। और राजस्थान के किसान हैं जो बुवाई करने से पहले राखड़ी बांधते हैं, जो रक्षा जो राखी होती है वो बांधते हैं दोस्तों, हल के भी और हाली के भी, ठीक है। तो ये हमने दोनों के दोनों लोक देवता जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं, आपको कम्प्लीटली आपको तैयार करना है दोस्तों, और साथ के साथ नोट्स तैयार करने हैं। दो महीने में आपको के दो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे। बस शर्त ये है दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछते रहें और नोट्स बनाते रहें, इससे ज़बरदस्त नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो।